ये तलवार इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये किसकी तलवार है? आप ही की है सुल्तान। अकबर भाई ने ये क्यों कहा कि ये तलवार मेरी है? इसका क्या मतलब? क्या बड़बड़ा रही है? खुशहाल सल्तनत के अपने ख्वाब के बारे में सोच रही हूँ। उस निकम्मे शहजादे की वजह से मेरा ख्वाब अटक गया है चटर पटर। पर अब मैं और नहीं रुक सकती। तो क्या करेगी? नहीं, हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन जादू का सहारा नहीं लेंगे। हम काम ढूंढ लेंगे। अच्छा, फिर तो आपको मस्जिद की सीढ़ियां बुला रही है। क्यों? दुआ मांगने के लिए? भीख मांगने के लिए। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह। कुछ भी कहते हो तो? नहीं कह रहा हूँ। भीख मांगने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी मेहनत का काम है? मेहनत काम करने में लगती है जिनो, पर हमें काम करना है। अच्छा आका, फिर तो एक रास्ता है। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है चटर पटर, हमें किसी और सल्तनत के सुल्तान का ताज चुराना होगा। निकम्मे शहजादे से तो कोई कमाई होगी नहीं। अरे इस पिंजरे, बोले तो तालीम घर से निकलेंगे कैसे? सोच लिया है तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। कौन सा रास्ता? इस शहर को छोड़ के चले जाते हैं। आका, हम जब से इस शहर में आए हैं तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। देखिए आका, हम किसी नए शहर में चले जाएंगे, किसी नए सुल्तान का ताज चुरा लेंगे। देखिए, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता, इसलिए इस शहर को छोड़ के चले जाते हैं। क्या सोच रहे? चलिए शहर को छोड़ के जाते हैं। नहीं जी, अब तो हम बगदाद के सुल्तान का ताज ही हासिल करेंगे। अच्छा बहुत हो गया, हमें मेहनत से 10 अशरफियां कमानी है। काम ढूंढना होगा। काम? अरे पर आप करेंगे क्या? अलादीन ने 2 पहेलियां सुलझा ली हैं, पर जानना चाहोगे तीसरी पहेली क्या है? नहीं, लेकिन बक दो। हमारे खून का राज। इन चारों पहेलियों का तुमसे बहुत गहरा ताल्लुक है जफर। पहली पहेली बुलबुल के धड़कते दिल की, जिसका कत्ल तुमने किया। दूसरे अकबर के हाथ की, जिसे तुमने काटा। और तीसरी उस लड़की की भटकती रूह, जिसके साथ तुमने मोहब्बत का नाटक किया और उसकी जान ले ली। यानी कि हम नजबीन, बेफजूला बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम जैसे खुदगर्ज इंसानों के पास सिर्फ अपने लिए वक्त है। इसलिए ये चौथी पहेली तुम्हें बहुत दिलचस्प लगेगी। मतलब कि वो एक ऐसे कत्ल के बारे में है जो अब तक नहीं हुआ, वो आज होगा। चार खून माफी, आखिरी पहेली तुम हो जफर। आज तुम्हारा खून होगा। डायन ने इस लालटेन को बरसों से जला के रखा है। इसी दिन के इंतजार में, इस लालटेन की आग में हमारा गुस्सा, हमारा इंतजार, हमारा सब कुछ मिलेगा। इस आग को तुम भी नहीं बुझा पाओगे यार। उस बुजुर्ग को हमारी मदद की जरूरत है। अरे पहले आप अपनी मदद तो कर लीजिए। अब्बू कहते हैं, जो दूसरों की मदद करता है खुदा उसी का साथ देता है। हम करते शुक्रिया बेटा, काश कि कोई बेटा तुम्हारे ऐसा मेरा भी होता तो जिंदगी कितनी आसान होती। हमें आपकी मदद करेंगे। हाँ हाँ, ये बड़े मददगार किस्म के शख्स हैं। दिन भर में 14 से 15 लोगों की मदद करते हैं। अगर मदद ना करें तो इनका खाना नहीं हजम होता। ये अपना नाड़ा बांधना भूल सकते हैं, लेकिन मदद करना नहीं।
बस बस शुक्रिया। अपना नाम तो बताओ मददगार। अलादीन, अलादीन नाम किसने सुना होगा। और ये हमारा दोस्त है जिनू। दरअसल हमें ज्यादा कुछ तो नहीं आता पर हम सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। वाह, फिर तो तुम हमारे काम के आदमी हो। हमारा नाम तुगलक खान है और आज से तुम हमारे लिए काम करोगे। क्या? आप, आपने क्या कहा? आप हमें नौकरी दे रहे हैं? साइकिल के? अरे ये क्या साइकिल के? कुछ गड़बड़ काम तो नहीं है? नहीं, गड़बड़ काम नहीं है, मेहनत का काम जरूर है। क्यों नहीं हम करेंगे, करेंगे, हमें कबूल है, कबूल है। अरे क्या कबूल है, दिखा थोड़ी ना हो रहा है। तनख्वाह कितनी होगी? 20 अशरफियां, लेकिन काम खत्म होने के बाद मिलेंगी। क्या बात है, क्या बात है? अरे क्या क्या बात है, मैं बात कर रहा हूँ। बात नहीं होगी, अब काम होगा। हम आपके लिए काम करेंगे, करेंगे। आप बताइए क्या करना होगा। आग जरूर बुझती जफर, अगर किसी और ने लगाई होती, मगर ये आग हमने लगाई है। मैजबीन, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम कुछ बिगाड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मिटाने आए हैं। आज मैं तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगी। शहर का कहर। जहर, हमारी बहन, हमें पूरा यकीन था कि तुम हमें बचाने जरूर आओगी। कई कोशिशों और काफी दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार हम भटकती हुई रूहों को खत्म करने का जहर बनाने में कामयाब हो ही गए। शुक्रिया नहीं कहेंगे भाईजान? रूह और भूत प्रेत से हमारा जादू नहीं चलता, ये बात तुम्हें याद रहेगी। बेहतरीन। हम तो जा रहे हैं जैफू, लेकिन तुम्हारे गुनाहों का ये महल कभी भी ढह सकता है। अरे मैं जू, और कौन आ रहा है भाई, और कौन आ रहा है हमारे महल को गिराने? इसका जवाब मनहूस महज भी नहीं दे सकती, लेकिन वक्त जरूर देगा। बस बस तुम तैयार रहना। खुदा। तैयार तो हम हमेशा रहते हैं। ये जाते जाते क्या कह रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बर्बाद करने के लिए इसके साथ कोई और भी इसका हाथ बटा रहा था? वो सब छोड़िए भाईजान, आप सिर्फ काले चिराग के बारे में सोचिए, जिसे आपको अगले 25 दिनों में किसी भी हालत में हासिल करना ही होगा। और इसी सिलसिले में हमें रुखसार बेगम से बात करनी है। हमारा दिया हुआ एक काम तो आप तलीके से कर नहीं पाए, और आपने अलादीन को बिना हमारी इजाजत के तालीम घर से बाहर निकाल दिया। इस हक से हम इस तालीम घर की बड़ी उस्ताद हैं सुल्तान। और हम इस मुल्क के सुल्तान। हमने जो किया है उसमें आपका भी फायदा छुपा है सुल्तान। जो लड़का हमारे साथ बेईमानी कर सकता है वो आपको भी धोखा दे सकता है। बेईमानी मामूली लोगों के साथ होती है, वो लड़का हरकत आपके साथ कर रहा है या कर चुका है तो हमारे साथ करने की सोच भी नहीं सकता। जी सुल्तान, आपकी और हमारी कोई बराबरी है ही नहीं। तीखे मिजाज, तीखे मिजाज को मैं बहुत पसंद है रुखसार बेगम, लेकिन हमारी नाफरमानी कोई करे, हमारे दिए हुए हुक्म के खिलाफ कोई जाए
वो हमें पसंद नहीं आता। सुल्तान, अलादीन, यास्मीन और चीनू ना ही बगदाद बाहर जाएंगे और ना इस तालीम करके। बात समझ में आ गई हो आपके तो सर हिला दीजिए। बेहतरीन। आपकी बीवी पहले सो जाने के बाद आप उसे तालीम घर में वापस ले आए और फिर अगले 25 दिनों के लिए तो हमारे मकसद के लिए तैयार करें। अगर ऐसा ना हुआ तो आप जानती हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा, पर उसके लिए आपको हमें हमारे तरीके से काम करने की आजादी और आपका यकीन चाहिए होगा। आपसे दरख्वास्त है, हमें और सब बच्चों को अपनी मर्जी के मुताबिक तालीम घर से आने जाने की इजाजत हो। तो आप चाहती हैं कि हम तालीम घर पर से जादुई दायरे को हटा दें? सुल्तान, बगदाद में आपकी इजाजत के बिना पत्ता भी यहां से वहां नहीं हिल सकता, तो फिर इंसान क्या चीज है? बेहतरीन। उस शहजादे के पीछे पड़े हैं कि उन्होंने जादुई दायरा तक हटा दिया। शहजादा किस हाल में होगा? कितनी गर्म है यहाँ और कितनी मिट्टी भी है। हम यहाँ काम करेंगे? हाँ, आसान काम है। तुम्हें ईंटें बनानी होंगी। आओ, आपको ये मिट्टी पहले पानी में घोलनी होती है और उसके बाद एक दिन में कितने ईंटें बनाने होंगे? 2-3-5 पांच ठीक है, बना लेंगे बना लेंगे। 500 ईंटें बनानी हो क्या? 500 मतलब 2 दिन में 1000 ईंटें? हाँ, महल में काम चल रहा है इसलिए हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन का वक्त है। तो गल्लू साहब थोड़ा रहम कीजिए। 1000 ईंटें 2 दिन मंजूर? नहीं। हाँ मंजूर है, मंजूर है। ये ना कभी कभी बहुत मजा करता है, हम करेंगे करेंगे। ठीक है तो करो। अरे आका क्या मंजूर है, जिस दिन आपको सुस्ती महसूस होती है उस दिन 500 बार पलटी नहीं झपकते 500 ईंटें एक दिन में कैसे बनाएंगे? देखिए आप माने या ना माने, अब आपको जादू की जरूरत है। मैं अभी जादू करता हूँ। क्या जादू, जादू की रट लगा के रखी है तुमने। बड़ी उस्ताद ने मना किया है ना जादू का सहारा लेने से। देखो अगर तुम हमारा हौसला बन सकते हो तो बनो, नहीं तो मैं अकेला छोड़ दूं। अरे लेकिन आपको मेरी मदद की जरूरत है। नहीं नहीं है जी, हमें यकीन की जरूरत है, तुम्हारे बड़ी उस्ताद के, चोरनी के, खुद के यकीन की जरूरत। ये हमारा इम्तिहान है, इसे हम देंगे, तुम्हारा जादू नहीं। अब हम काम शुरू करते हैं, तुम यहाँ से जाओ। अरे लेकिन ये हमारा हुक्म है। लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? एक काम करो, तुम चोरनी के पास चले जाओ। नहीं 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 आका, मुझे कोई भी हुक्म दे दिए बस वो चोरनी के पास मत भेजिए। चोरनी की वो तोते पता नहीं कौन सी जुबान बोलती है।
तुम्हें हुक्म का मतलब समझ में आता है ना? हाँ। तो फिर जाओ और दो दिन वहीं रहो। ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। साथ देना। उस्ताद ने मानी? नहीं, उन्होंने कहा कि सुल्तान का हुक्म है, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन मुझे जाना है चटर पटर। ऊपर वाला मदद भेजेगा। किसी ने मुझे याद किया? मदद मांगी थी बिड़ू, ये घपलों का कटोरा नहीं। जीनू, तुम अंदर कैसे आए? दरअसल दो बावर्चियों के थैले में हवा बनके हम आ गए। पर क्यों? क्योंकि आका ने मुझे तुम दोनों के साथ दो दिन रहने को कहा है, तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है। और जीव लड़का है वो कौन होता है हमारे लिए फैसला करने वाला? तुम जाओ यहाँ से। मैं जाऊँ? तुम मुझे अपने साथ नहीं रखोगी? चल खजूर, गलती होले। आका, ये कौन सी जुबान है? आका तो यहाँ है ही नहीं। एक तो आका ने मुझे अपने से दूर कर दिया और तुम मुझे अपने साथ रखोगी नहीं। मैं इतने बड़े इतने अजनबी मुल्क में जाऊं तो जाऊं कहां? हाय ला, तू रो रही है? जीनू, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा। जीनू, मेरा बच्चा है तू। कोई बात नहीं, माफ किया तुम्हें और तुम्हें भी। तू अभी क्या बोला? इस कैद खाने में कैसे आया? हवा बनके। ठीक है, तुम मेरे साथ रुक सकते हो लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मदद? नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा कोई हुक्म मुझे आका ने दिया ही नहीं था। सोच लो, मदद नहीं करोगे तो मेरे साथ नहीं रह सकोगे। अरे रे, ये तो मक्खन मलाई को नहीं जमेगा रे बिड़ू। अच्छा, वैसे मुझे क्या करना होगा? यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद। कितनी गर्मी है यहाँ। कोयल, तुम यहाँ बावर्ची पर दिल से चोर है। तुम जादू से हम दोनों को किसी ऐसी कीमती चीज में तब्दील कर देना जिससे वो चुरा ले और अपने सामान में छुपा ले। उन्हें बाहर जाने से कोई रोकेगा नहीं और फिर हम भी बाहर चले जाएंगे। अच्छा, पर तुम्हें वापस तब्दील कौन करेगा? कैसा घोचू जिन है रे तू? तेरा भेजा कौन सही करेगा खजूर? तुम धुआं बन के अंदर आए थे ना, धुआं बन के बाहर भी आ जाना और हमें जादू से ठीक कर देना। ठीक है, तो नेक काम में देरी कैसी, शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ? अरे लेकिन तुम लोगों को मैं मनाऊंगा क्या? ये दोनों हैं आफत की पुड़िया, बन जाएंगे जादू की गुड़िया। काम हो गया। अच्छा सुनो, तुम दोनों आपस में बात कर सकते हो, कोई नहीं सुन पाएगा। मस्त है रे। यास्मीन, ये आलू का बोरा तो अपने काम आ गया। सिवाय मेरे, मैं सुन सकता हूँ। पहले बोलने का था ना। अब चलो ना। इधर आ चटर पटर। पता नहीं वहाँ पे आका से कुछ काम हो पा रहा होगा कि नहीं। काश हमारा तस्वीर खींचने वाला नौकर अब्दुल यहाँ होता तो फिर हम तस्वीर खींचते
और अब्बू को दिखाते, वरना उन्हें यकीन कम होता कि हम काम कर रहे हैं। बड़े उस्ताद, आपने शहजादे को देखा, कितनी मेहनत कर रहे हो। इन चीजों के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। तो बिगड़े शहजादे ने काम ढूंढ लिया, पर इसका हर काम बिगाड़ने को शिफान तैयार खड़ा है। कितना भी जोर लगा ले शहजादे, मेरा वादा रहा, तालीम घर के दरवाजे अब तेरे लिए नहीं खुलने वाले। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.